का टॉपिक है जख्म और घाव। जरा सी चोट लगने से स्किन फट जाए, कट जाए तो कैलेंडुला क्यों लगाए? चोट लग जाने के बाद घाव पक जाए और तपकन जैसा दर्द हो तो बैरेडोना ठट्टी का इस्तेमाल करें। जब जख्म पक जाए और मरीज छूने ना दे तो हिपासल्फा ठट्टी का इस्तेमाल करें। अगर लाठी की मार से जख्म हो जाए और चोट जैसा दर्द हो तो आनी का 200 का इस्तेमाल करें। जब किसी धारदार चीज से कट जाए, जख्म हो जाए तो स्टाफिस सेगरिया वो नियम का इस्तेमाल करें। अगर जूते की रगड़ से एड़ी में जख्म पैदा हो जाए तो एलम सीपा वो नियम का इस्तेमाल करें। अगर कोई नोकीली चीज चुभ जाए और जख्म पैदा हो जाए तो लीडम 200 का इस्तेमाल करें। टेटनस से बचने के लिए लीडम वो नियम का इस्तेमाल करें। ऑपरेशन के बाद जख्म पक जाए और डंक मारने जैसा दर्द हो तो स्टाफिस सेगरिया वो नियम का इस्तेमाल करें। जंग लगी हुई सुई या पिन चुभ जाने से जख्म पैदा हो जाए तो हाई पैरिकम 200 का इस्तेमाल करें। उंगली की नोक कुचल जाने से जख्म और दर्द पैदा हो जाए तो हाई पैरिकम वो नियम का इस्तेमाल करें। कुत्ता काटने से जख्म पैदा हो जाए तो हाइड्रोफोबिनम 200 का इस्तेमाल करें। घर पर ज्यादा दिनों तक पड़ रहने से पेट शोर हो जाए तो पीओनिया 30 का इस्तेमाल करें। बिस्तर पे ज्यादा दिनों तक लेटे रहने से नीले जख्म हो जाए तो लेगेसी 30 का इस्तेमाल करें। अगर जल जाने के बाद जख्म बहुत दिनों तक ठीक ना हो तो कॉस्टिकम वो नियम का इस्तेमाल करें। जलनदार जख्म बेचैनी और कमजोरी के साथ हो तो आर्सेनिक 30 का इस्तेमाल करें। जख्म या फोड़ा जो रात में बहुत तकलीफ करे और पसीना बहुत आए तो मक्स सॉल्ट 200 का इस्तेमाल करें। जख्म जिनमें से बहुत ज्यादा खून बहे तो फास्फोरस 30 का इस्तेमाल करें। जख्म जो ठीक हो गए दोबारा हो जाए उनमें शिपचुपा मवाद निकले तो ग्रेफाइटिस 30 का इस्तेमाल करें। पुराने जख्मों के किनारे जो लाल हो जाए बहुत खुजलाए तो एसिड फ्लो 30 का इस्तेमाल करें। जख्म जिन्हें ठंडी में तकलीफ हो गर्मी में आराम मिले तो हिपासल्फा 30 का इस्तेमाल करें। और हाँ, इसी टाइप के हेड टिप्स के लिए हमारे वीडियो को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।